नमस्कार दोस्तों, ट्राइबल चीफ द हेड ऑफ द टेबल इज स्टिल योर यूनिवर्सल अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन। उन्होंने कोडी रोड्स को रेसलमेनिया मेन इवेंट में फिर से धूल चटा दी बाकी अपोनेंट्स की तरह और उन्हें बता दिया कि क्यों है वे द हेड ऑफ द टेबल, क्यों उन्हें ट्राइबल चीफ का दर्जा दिया गया है। उन्होंने कोडी रोज की एक ना चलने दी। कोडी रोज ने अपनी जी जान लगा दी कि वे ब्लड लाइन के हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज को हरा दे, लेकिन रोमन रेंज के पास हर पैंतरे का जवाब होता है। पहले तो सोलो स्कूबा ने रोमन रेंज की अच्छे से मदद की, लेकिन बाद में रेफरी के कहने पर सोलो स्कूबा को रिंग से बाहर कर दिया गया। बाद में कोडी रोज ने इसका फ़ायदा उठाया और वे कुछ समय के लिए रोमन रेंज पर हावी होने लगे। उन्होंने रोमन रेंज को क्रॉस रोड और पेडिग्री भी दी, लेकिन रोमन रेंज कहाँ हार मानने वाले थे। रोमन रेंज ने हर मूव का किकआउट किया और कोडी रोज का चेहरा देखने लायक था। बाद में द उसोज ने कोडी रोज के ऊपर हमला कर दिया और उन्हें अपना फिनिशिंग मूव भी दिया। उसो के बचाव में सैमी जेन और केविन ओविन ने रोमन रेंज को अच्छे से धोया और बाद में वे रिंग के बाहर चले गए। कोडी रोज ने लगातार अपना दो फिनिशिंग मूव दिया, लेकिन पीछे सोलो स्कूबा आए और उन्होंने सीधा अपना फिनिशिंग मूव देकर रोमन रेंज को मौका दिया और रोमन रेंज ने बेहतरीन स्पेयर लगाया और फिर से वे रहे WWE अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियन दोस्तों। और पॉल हेमन ने अपना हाथ खड़ा किया और ब्लड लाइन ने बता दिया, साथ में रोमन रेंज ने बता दिया कि क्यों है वे रेसलमेनिया। पॉल हेमन ने उन्हें रेसलमेनिया कहकर सम्मानित किया। दोस्तों, इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली एक और वीडियो में।